तो अगर साथ में जुड़े हुए हो मेरे से तो याद रखना चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज कंप्लीट करने वाले हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2। परफेक्ट। यह क्लास 12 वालों के लिए एक ओपिनियन है, एक एडवाइस है सबके लिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से पढ़िए। एनसीईआरटी में यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। उसका मतलब क्या है? व्हेन यू रीड बिटवीन द लाइंस यू विल बी एबल टू फाइंड आउट डेफिनेशंस। वो डेफिनेशंस आप अगर वर्ड टू वर्ड बोर्ड एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलो आज स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब अगर आपको याद होगा तो इस चैप्टर में देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। देखो वो कौन से हैं? एक तो है हमारे टेलर साहब, एक है हमारे हेनरी फ्योल साहब। टेलर तो पता है ना, टेलर की थ्योरी क्या थी? टेलर का थ्योरी ऐसा था कुछ कि मैं शॉप फ्लोर मैनेजमेंट के लोगों पे काम करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उनकी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो सकती है। और टेलर ने फिर अपना टाइम स्टडी दी, मोशन स्टडी दी, फटीग स्टडी दी, ऐसे उसने स्टडीज दी है काफी सारी। परफेक्ट। हमने रिसेंटली हेनरी फेयोल की भी प्रिंसिपल्स पढ़े। उसका सोचने का तरीका कैसा था? फॉर एग्जाम्पल वो सोचता था मैनेजीरियल लेवल पे कि मैं मैनेजर्स की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकता हूं। तो उसमें हमने पढ़ा कि स्केलर चेन क्या होता है और सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। फिर आपकी पेमेंट कितनी देनी चाहिए, आपको सैलरीज रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज कितना होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए। ये हम सारा इसमें पढ़ के आ चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इनके इनडेप्थ प्रिंसिपल्स तो हमने पढ़ लिए, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस आना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन F.W. Taylor's principles versus Henri Fayol's principles। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। हार्डली 6 पॉइंट्स हैं, हम जल्दी से जल्दी 6 पॉइंट्स कवर कर लेंगे और आपको ये जरूर करके जाना है अपने बोर्ड्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट। देखो यार, पहले तो लिख लो इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो पहले ही लिख रखा है वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन भले ही ना दे रखा हो, बट हाँ इसकी थ्योरी दे रखी है कि ये चार्ट पूरा का पूरा आपका टेबल दोनों में डिफरेंस बता रहा है। फिर हमारे बेसिस क्या है डिफरेंस के वो भी बता रहा है, वो दे रखा है एनसीईआरटी में। तो प्लीज नोट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन F.W. Taylor's principle एंड हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल। तो एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बेसिस ऑफ डिफरेंस देखो। बेसिस ऑफ डिफरेंस वो है कि किस बेस पे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब उनकी ब्रॉड थिंकिंग क्या थी, वो किस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे थे। तो देखो हेनरी फेयोल टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा था और F.W. Taylor शॉप फ्लोर लेवल ऑफ फैक्ट्री में काम कर रहा था। मतलब ये बात कर रहा था मैनेजर्स की और ये बात कर रहा था फैक्ट्री वर्कर्स की। लिख सकते हो आप फैक्ट्री वर्कर्स। ये भाई साहब बात कर रहे हैं मैनेजर्स की। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन होते हैं? मैनेजर्स या कंपनी के मालिक या कंपनी के सीईओ। और F.W. Taylor क्या बोलता है? शॉप फ्लोर लेवल ऑफ अ फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसने फोकस करा है मैनेजर्स की एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है। बट हाँ टेलर का पर्सपेक्टिव था कि शॉप फ्लोर पे जितने बंदे हैं उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है। सेकंड पॉइंट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। हमने पढ़ा था ना यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। कमांड तो पढ़ा था ना कि वन एम्प्लॉय वन बॉस। डायरेक्शन मतलब सारे इकट्ठे चलने चाहिए। हमने इसके बीच में डिफरेंस भी कर रखा है। अगर आपने यूनिटी ऑफ कमांड वर्सेज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में डिफरेंस जो है उसकी वीडियो नहीं देखी, उसकी एक सेपरेट वीडियो बन रखी है, प्लीज उसको जाके देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉन्च प्रोपोनेंट, यहां पे स्टॉन्च का मतलब आप लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग। प्रोपोनेंट मतलब उसके साथ, ओपोनेंट मतलब भिड़ गया। देखते हैं ना, पूछते हैं ना कि आपका ओपोनेंट कौन सा, मतलब आपके खिलाफ कौन खड़ा हो रहा है। प्रोपोनेंट मतलब उसके साथ खड़ा हो रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड हेनरी का प्रिंसिपल है, हेनरी फेयोल ने दिया था और वो कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर है। हेनरी फेयोल मानता था कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, बट F.W. Taylor ऐसा नहीं मानता था। क्यों नहीं मानता था? बिकॉज F.W. Taylor क्या एक प्रिंसिपल है, उसमें उसने बात कर रखी है फंक्शनल फोरमैनशिप की। इसका मतलब क्या है? हमने पढ़ रखा है इसका मतलब फंक्शनल फोरमैनशिप, जहां पे एक वर्कर को ऑर्डर्स देते हैं 8 स्पेशलिस्ट। ये एक पूरा डायग्राम है, अगर आप यहां देखोगे तो वो डायग्राम आ गया होगा आपके सामने, जहां पे एक वर्कर को कमांड दे रहे हैं 8 डिफरेंट स्पेशलिस्ट। तो इसमें यूनिटी ऑफ कमांड नहीं चलेगी। इसका मतलब हेनरी बिलीव्ड इन यूनिटी ऑफ कमांड, टेलर डिड नॉट बिलीव इन यूनिटी ऑफ कमांड। परफेक्ट। देखो हमारे दो डिफरेंस तो खत्म हो भी गए। फिर हम आते हैं थर्ड डिफरेंस पे, वो है बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कि भैया इन्होंने अपनी जो थ्योरीज निकाली, जो प्रिंसिपल्स निकाले, उनको हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट, बट इनका बेसिस क्या है, व्हाट इज, हाउ डिड दिस प्रिंसिपल्स, दीज 14 प्रिंसिपल्स, दीज ऑल थ्योरीज इमर्ज, तो बोल रखा है फेयोल में वो इमर्ज हुई एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने ये थ्योरीज निकाली जो हमारे 14 प्रिंसिपल्स हैं। वैसे ही टेलर के उसमें क्या है, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यार ये तो लाजमी बात है, याद है ना फटीग स्टडी, मोशन स्टडी, इसमें हमने पढ़ रखा है कि कैसे हम एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, एक वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं, और हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी देखे हैं। आप जब थ्योरी पढ़ोगे ना, जब एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि टेलर की थ्योरी के अंदर, जो टेलर के प्रिंसिपल्स है उसकी थ्योरी के अंदर बड़े सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं कि मोशन स्टडी में इतना काम करना चाहिए, इतनी प्रोडक्टिविटी है, तो वो सारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर हैं। जहां भी आप नंबर देखते हो, दोज आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। परफेक्ट। अब देखो इसी के बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है फोकस। ये पॉइंट कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव से मिलता जुलता है, देखते हैं कैसे। ये कह रहा है फोकस किस पे था, ये तो हमने सोच लिया कि मेन पर्सपेक्टिव, ओवरऑल सोच किस किस के बारे में रहे थे, बट फोकस किस पे था, इनका फोकस था इंप्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब मैनेजर्स, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जितने भी इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को ओवरलुक कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, ऑर्डर्स दे रहे हैं, उनके पास अथॉरिटी है अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाने की, वो होता है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पे बात हुई थी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की। अभी बात करें ना, बड़े सारे स्टडीज दे रखी थी, उसमें न्यूमेरिकल्स थे, तो वो किसकी बात कर रहा है, प्रोडक्टिविटी की, कि मेरे जो शॉप फ्लोर में है, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो सकती है, उसके मेरे को मेथड बताओ। तो वो मेथड किसने बताया, हमारे टेलर साहब ने बताया। परफेक्ट। लास्ट टू पॉइंट्स बहुत ईजी हैं और आपको मजा आएगा ये पढ़ के। इनकी पर्सनैलिटी क्या थी, मतलब देखो यार जब भी हम कोई थ्योरी निकालते हैं ना, पहली बात तो थ्योरी निकालना एक छोटी बात नहीं होती, इट्स अ बिग थिंग। तो पर्सनालिटी देखना कि ये किस पर्सनालिटी का बंदा था, ये किस पर्सनालिटी का बंदा है, उसको समझना कभी कभी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ही वॉज अ प्रैक्टिशनर एंड ही वॉज अ साइंटिस्ट, हमने तो ये पढ़ी रखा है यार, ये माइनिंग इंजीनियर थे, हेनरी फेयोल साहब माइनिंग इंजीनियर थे, ये हमने पढ़ रखा है। और ही वॉज अ साइंटिस्ट, क्यों साइंटिस्ट है, बिकॉज ही ब्रॉट आउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ही वॉज अ साइंटिस्ट, वो ऑब्जर्वेशन और मेथडोलॉजीज, एक्सपेरिमेंटेशन, न्यूमेरिकल्स, इस पे बिलीव करते थे। ही वॉज अ प्रैक्टिशनर, वो देखते थे कि यार मेरे साथ रियलिटी में क्या हो रहा है, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है। हेंस ही वॉज अ प्रैक्टिशनर ऑफ आर्ट प्रोफेशन। फेयोल को आप बोल सकते हो प्रैक्टिशनर, टेलर को आप बोल सकते हो साइंटिस्ट। और लास्ट पॉइंट आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कुछ नहीं है यार, इन दोनों ने अपनी बुक्स निकाली थी, राइट, तो वो बुक्स के बारे में ही मेंशन कर रखा है। आपको याद है फेयोल को बोलते हैं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, या जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने निकाली थी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बुक इन्होंने निकाली थी। 1917 में फेयोल की सबसे पहली बुक आई थी, उसको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। 1949 में एक और बुक लॉन्च हुई जो इंग्लिश कन्वर्जन था, मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन था उस बुक का जो उन्होंने पहले लिखी। तो याद आ रहा है ना कुछ, ये सारा हमने ओवरव्यू कर लिया है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट तो हमने पढ़ ही लिया, टेलर का है। तो ये थे फादर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, या जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन निकाली फेयोल ने। और टेलर ने क्या बात करी, टेलर ने बात करी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट में हम कैसे साइंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे हम अच्छे से अच्छी प्रोडक्टिविटी अपने एम्प्लॉयज की इंक्रीज कर पाए। आई होप आप सबको ये लेसन, ये वीडियो पसंद आई। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। एक लास्ट बात सुन लो, जितने भी आप सीरीज देख रहे हो, चाहे वो YouTube पे देख रहे हो, चाहे आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है उस पे देख रहे हो, आपको सीरीज वाइज मिल जाएंगे कि कौन से लेसन के, कौन से चैप्टर के कितने पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल चैप्टर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज के 4 पार्ट्स हैं, नहीं देखे तो सारे के सारे देखो, दिस इज द 4th पार्ट। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके बाद प्लान सुन लो क्या है। प्लान ये है, बिजनेस एनवायरमेंट करेंगे, बिजनेस एनवायरमेंट बहुत छोटा चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर्स मिला के हमारे 16 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। इन 16 मार्क्स कंप्लीट होने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स। इन तीनों के ये एक यूनिट बन जाएगी ना अपनी। पार्ट ए की 16 मार्क्स हम कंप्लीट कर लेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, आपको सीरीज वाइज A to Z मटीरियल सारा मिल जाएगा। नोट्स ध्यान रखो, बोर्ड्स के लिए नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। हैव अ ग्रेट वन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। Have a great one. Bye-bye.